एक अंग्रेज औरत बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाली प्रोफेसर, पड़ोसी मुल्क का एक राइटर पहुंचा स्पेन। स्पेन की एक शहर है गुरनाता, उस शहर के अलहमरा एक जगह है, वहां की बिल्डिंगों में देखा उन्होंने कि तस्वीर बनी है, कुत्ते की तस्वीर है, शेर की तस्वीर है, आदमी की तस्वीर। उस राइटर ने देखा, उनका नाम इजहारुल हक था, तो उस अंग्रेज औरत ने कहा कि इन बिल्डिंग को बनाने वाला एक बादशाह था, उस बादशाह का नाम सुल्तान मोहम्मद अल खामिस था। तो उस औरत को देखिए कितनी जानकारी है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। उस औरत ने क्या कहा, ये बादशाह मुसलमान था, जब ये मुसलमान बादशाह था तो इसने तस्वीर क्यों बनाई, क्योंकि तस्वीर खींचना और तस्वीर रखना, तस्वीर बनाना इस्लाम में जायज नहीं है। इसलिए हमारे जो नौजवान फटाफट सेल्फी लेते, हमारे नौजवान खूबसूरत फोटो खींचते, शरीयत के नजर में गुनाह है। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन औ तसावीरुन, लेते ये भी सही नहीं है शरीयत के नजर। बहुत से जगहों में हम लोगों को भी पकड़ लेते हैं कि मौलाना जरा सेल्फी फोटो जेब जीनत के लिए, शरीयत के नजर में बिल्कुल अलाउ नहीं, परमिशन नहीं। मेरे भाइयों, पता है उस औरत ने क्या कहा, औरत है एक राइटर, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े इजहारुल हक साहब, उससे कहा कि ये मुसलमान थे और इस्लाम में फोटो खींचना जायज नहीं, तो इस बादशाह ने क्यों तस्वीर बनाई, कुत्ते की तस्वीर बना दी, शेर की तस्वीर बनाई और इंसानों की भी तस्वीर है। तो मेरे भाइयों, पता उस औरत ने क्या कहा, ऐसे नामी मुसलमान होगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत से कोई सरोकार नहीं होगा। वो राइटर खामोशी से सुनने लगा। उस राइटर ने क्या सोचा दिल में, क्या कहा, बल्कि कहा, तुमको क्या पता हमारे मोहम्मद के बारे में, तुम क्या जानने गए हदीस क्या, तुम क्या जानने गए कुरान क्या, तुम क्या जानने गए कि मोहम्मद आखिरी नबी, तुम्हें क्या पता, हम हैं नबी वाले, हम हैं मोहम्मद वाले, हम जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। ये बात उनको कही तो वो अंग्रेज औरत वो सिर्फ औरत नहीं थी, उसने सिर्फ बाइबल को नहीं पढ़ा था, उसने सिर्फ मता मरकस लूका यूहन्ना का एनालाइज नहीं किया था, बल्कि कई साल से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला कर रही थी, कुरान में जो मोहम्मद के बारे में बातें बताई गई उसका मुताला की हुई थी। उस औरत ने कहा, आइए बैठते हैं एक जगह पर बातें करते, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप भी मुसलमान हैं, आपकी जिंदगी सीरत और सुन्नत से खाली, और ये जो बादशाह था ये भी सिर्फ नाम का मुसलमान बादशाह था, इसकी भी जिंदगी सीरत और सुन्नत से खाली थी। उसके बाद बहस शुरू होती। उस औरत ने क्या पूछा, कहा कि मुसलमान साहब, मौलाना साहब, राइटर साहब, आपके कुरान में एक आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हम जमीन वालों के लिए, दोनों जहान के मखलूकात के लिए, ए अल्लाह के नबी आपको रहमत बनाकर भेज रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, किन के लिए, दोनों जहान वालों के। अब दोनों जहान में जैसे इस दुनिया में तो हिंदू भी हैं, इस दुनिया में तो क्रिश्चियन भी हैं, इस दुनिया में तो अंग्रेज भी हैं, इस दुनिया में तो जैन भी हैं, इस दुनिया में तो बौद्ध भी हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे भाइयों। फिर पता क्या हुआ,
उस औरत ने क्या कहा आपको पता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का क्या मतलब है? राइटर साहब बताइए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी को भेजा रहमत बनाकर। कहा किसके लिए? कहा मुसलमान के लिए। कहा नहीं, हर किसी के लिए बनाकर भेजा। भारत की धरती पर गैरों के लिए भी मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन थे मोहम्मद, आरएसएस वालों के लिए भी रहमत है, वीएसपी के लिए भी रहमत है, हिंदू महासभा के लोगों के लिए भी रहमत है, इंडोनेशिया श्रीलंका वालों के लिए भी रहमत है, हर एक के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत बनाकर भेजे गए। तो पता उसने तफसीर शुरू की। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आपके शहर के लोग, आपके भारत के लोग स्पेन क्यों जाते, अमेरिका क्यों जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहां से वापस आते हैं पैसा कमाने जाते, और जब जाते तो वहीं पर जाकर बस जाते। वहां सुकून की जिंदगी है, वहां खुशहाली है, वहां पर इज्जत है, वहां पर दौलत में दौलत का अंबार। लेकिन आप लोगों के यहां क्यों नहीं है? तो इसका मतलब रहमत टोटल वहीं पर है। तो उस औरत ने कहा यूरोप कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप कंट्रीज हैं, खुशहाल हैं, ये खुशहाल इज्जतदार। आज के डेट में हम लोग वीजा बनाते, नौकरी कहाँ लगे, स्पेन में लगना चाहिए, हमारी नौकरी कहाँ लगनी चाहिए, अमेरिका में लगना चाहिए, लंदन में लगना चाहिए, इंग्लैंड में लगना चाहिए, और जाकर वहां सेटल हो जाते हैं तो फख्र करते। उस औरत ने कहा कि ऐसा क्यों, क्यों हुआ? कहा इसलिए। उस औरत ने फिर जवाब दिया कि राइटर साहब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमत बनाकर भेजे गए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की का रहमो करम ज्यादा हम लोगों के ऊपर। कहा कैसे? नमाज हम पढ़ते हैं, मुसलमान हम हैं, तुम तो यहूदी हो, तुम तो नसारा हो, तुम तो जवान बेटियों को चर्च में भेज देते हो और कहते हो कि जो ईश्वर के नाम पर कुर्बान हो जाए वो बहुत बड़ी है सच्ची सावित्री। हम अपनी बेटियों को बुरके में रखते हैं, हाफिज़े कुरान बनाते हैं। कहा के नहीं, इसी से काम नहीं चलेगा। का पता तुम्हारे घर में क्या लिखा होता है? हाजा मिन फजली रब्बी। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर जो दौलत और रिस्क जाती है वो हराम कमाई की जाती। कहा कि हमारे कंट्री के अंदर चले जाओ, किसी भी घर के अंदर कोई भी बंदा हराम कमाई नहीं करता। कहा कि तुम्हारी गाड़ी में क्या लिखा होता है, तुम्हारी दुकानों में लिखा हुआ होता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने क्या दी है, लेकिन उस दुकान के अंदर बेईमानी होती है, तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने गलत माल को गलत तरीके पर बेचते हो। हम वेस्टर्न कंट्री के लोग ऐसा नहीं करते। हम मर जाएंगे लेकिन अगर किसी माल में कोई खोट होगा, कोई गलती होगी, कमी होगी, तो कस्टमर को बताएंगे कि इस माल के अंदर, इसके अंदर ये कमी है, इसको देख करके लीजिए। ताकि तुम्हारे बच्चे झूठ बोलते हैं ना, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते। और इस्लाम में हम कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते, तुम लोग वादा करते हो तो पूरा नहीं करते हो। और हम लोग नौकर नहीं रखते, नौकर अल्लाह के नबी ने कहा कि अपना काम खुद से किया करो। मोहम्मद खुद से जूता, अपना चप्पल साफ कर लेते थे, अपना चप्पल भी सी लेते थे, अपने कपड़े खुद से धोते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा कि तुम लोग अमल करते हो, नहीं करते हो, हम लोग अमल करते। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देखिए, ब्रिटानिया में देखिए, यूरोप में देखो, मुसलमानों कितना बड़ा उद्योगपति अंग्रेज होगा, उसका कोई गुलाम या कोई नौकर नहीं होगा, वो खुद से काम करता, वो खुद से गाड़ी चलाता। लेकिन हम लोग अल्लाह के नबी की इस हदीस की मुखालफत करते हैं। हम लोगों को अल्लाह अगर कोई दौलत दे दे तो दादागिरी करते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हमारे पास दौलत है, आप झुक जाओ,
देखो मेरे पास पांच पांच नौकर है, देखो मेरे पास दस दस नौकर है। वो औरत कह रही है कि बताओ आपके भारत में, आपके बांग्लादेश में, आपके अफगानिस्तान में, आपके यूरोप कंट्री, आपके अरब कंट्री में ऐसा है कि नहीं? अरब कंट्री के अंदर ये जितने भी बादशाह लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ने जिनको दौलत दी, तो गरीबों पर खर्च करने के बजाय क्या खर्च करते हैं? वो लोग सोने की गाड़ी बना रहे हैं, सोने के लिए ताला बना रहे हैं, चांदी कुंडी घर में लगाते हैं, तो सोने का हीरे का ये चीज। और वो लोग अंग्रेज लोगों के पास अल्लाह दौलत दे दे तो वो कभी भी अपनी दौलत की नुमाइश नहीं करते। और उन्होंने कहा कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या फरमान? मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि गरीबों को खाना खिलाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, फख्र के तौर पर और नुमाइश के तौर पर अगर कपड़ा पहनोगे तो कल कयामत में रुसवाई होगी। बोला हम में से देख लीजिए, व्हाइट हाउस में भी जब जाता है वहां का प्रेसिडेंट तो सीधे सादे वही कोट पैंट होता है, कोई बहुत ज्यादा सोने के या चांदी के पानी से बना हुआ नहीं होता उनका, उनकी ड्रेस वही कोट पैंट टाई लगाकर चले जाते। और अंग्रेज को देखो, हम लोग रहते हैं तो वही ढीले ढाले पैंट पजामा में रहते हैं, ज्यादा कोई आव भाव नहीं। मोहम्मद की हदीस पर तो हम लोग अमल कर रहे हैं। बोले आपके गांव में चले जाए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अत्तहूरु निस्फुल ईमान, हमारे इलाके में आ जाओ, चारों तरफ सफाई सफाई नजर आएगी। तकरीबन उसने 25 से 30 ऐसी हदीसें बताई जिस पर उन मुसलमान साहब का अमल नहीं था, उस अंग्रेज प्रोफेसर का उस पर अमल था। उन्होंने कहा कि पता वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो भी आदमी मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह की रहमत उस पर होगी, वो दुनिया में तो जरूर कामयाब होगा, मरने के बाद जन्नत जहन्नम का फैसला, अगर काफिर है तो जहन्नम, अगर ईमान वाला है तो जन्नत। उस औरत ने कहा कि तुम लोग ढोंगी मुसलमान हो, कितने लोगों को तुमने पैसे बांटे बताओ? हमारे पास खाना बच जाता है तो हम उन खानों को टोकरी में डालकर सड़क के किनारे गरीब को दे देते हैं। और नबी का फरमान है, बल्कि तुम्हारे नबी ने गरीबों को खाना खिलाया, यतीमों के सर पर हाथ रखे, तुमने खिलाया नहीं खिलाया? सुन्नत पर किसने अमल किया? मैंने किया। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं अंग्रेज हूं, लेकिन मैंने सुन्नत पर अमल किया, तुमने नहीं किया, तो रहमत किस पर नाजिल होगी? मुझ पर नाजिल होगी दुनिया में। और आगे क्या कहा कि तुम्हारे यहां जब पैसा हो जाता है मंत्री शंतरी पे, तो जो सरकारी दौलत है उसका निगेबानी होना चाहिए। जब सरकार बनता है, पीएम सीएम बन जाता है, तो घोटाला करता है, जबकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि बैतुल माल सरकारी दौलत अवाम की होती है, एक अमानत है, उसको गलत तरीके पर खर्च मत करो। हमारे ही अगर अमेरिका प्रेसिडेंट होगा, या अगर बर्तानिया का अगर कोई प्रिंस होगा, इंग्लैंड का कोई प्रिंस होगा, उसको हर चार साल, तीन साल, पांच साल, हर साल में ऑडिट दिखाना होता है, वो कभी भी सरकारी दौलत के अंदर खयानत नहीं कर सकता। आपके कंट्री में होता है? नहीं होता। आपके कंट्री में दौलत लूट लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का घपला कर दिया जाता है, तो सुन्नत पर किसने अमल किया? हमने अमल किया कि तुमने अमल किया? जाहिर सी बात है कि एक अंग्रेज नबी की सुन्नत पर उसको विश्वास है, उसको यकीन है, वो अमल कर रहा है। हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमको उस पर विश्वास नहीं। तो आखिर में क्या कहा कि मैं तुम्हारे मोहम्मद के अल्लाह से उम्मीद करती हूं कि मैं मरूंगी मौत से पहले पहले, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे ईमान नसीब करेगा और मैं ईमान की हालत में मरूंगी। लेकिन अपनी जिंदगी देखना कि तुम्हारी कौम
ईमान जैसी दौलत के साथ साथ होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा क्यों हो रही? तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तुम्हारी धरती में कोई पूछ नहीं, तुमको जानवरों के नाम पर मार दिया जाता है, टोपी डाली के नाम पर तुम्हारा मॉब लिंचिंग किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कुरान पर, नबी की सुन्नत पर इतना मजबूत नहीं है जितना कि हमारा। यही वजह है कि अंग्रेज कामयाब है, यही वजह है कि अंग्रेज सक्सेस है दुनिया के अंदर। मरने के बाद जो भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं।